दिन किसने समझ को पा लिया? लघुवियात। आज हम में से अक्सर बुराइयां क्यों फैल रही है समाज में, बताइए किस वजह से? इन्हें उससे लड़ लिया, क्यों? उसने उसके बारे में ये बोला था, लघुवियात। गीबत है वो, लेकिन लघुवियात में से, वो फालतू बातों में से इसे कोई फायदा नहीं था। किसी इंसान के सामने किसी की बुराई बयान करना, वो इंसान ऐसी ताकत रखता हो कि इसकी इसलाह कर सके, तो ये जायज़ है। जैसा टीचर को स्टूडेंट की कंप्लेंट करना, वालदैन को बच्चों की कंप्लेंट करना, घर के सरपरस्त बड़े इंसान को छोटों की कंप्लेंट जायज़ है। लेकिन खामोखा आपस में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है? सिवाय झगड़े इससे शुरू होंगे और गीबतें और चुगली की शक्ल लेके फैलते जाएंगे, लड़ाई होंगी और खून और खराबे की वजह बनती है। लघवियात से अपने आप को अगर बचा लें तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस्लामिक रिसर्च सेंटर को ताउन करें, हमें डोनेट करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस बनाकर दूसरों तक जो है पहुँचा सकें। आप अपनी रकम हमें बैंक के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकते हैं। और हाँ, कोई रकम छोटी नहीं होती। इस रमज़ान और आने वाले रमज़ान भी आप हमें याद रखें, ताकि आपकी ज़कात व सदक़ात हम तक आप भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।